अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का अनदर टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इससे प्रीवियसली हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, जिसमें चार्ल्स कूलम ने हमें ये बताया कि चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स होती है उसकी मकदार कितनी होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान, नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं उनकी मकदार, उनकी कीमत, उनकी मैग्नीट्यूड सबसे पहले चार्ल्स कूलम ने मालूम की। आज हम जानेंगे कि चार्जेस के गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सकते हैं, खींच सकते हैं या दफ़ा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, कूलम्स के मुताबिक ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। फ़र्ज़ करिए आपके पास एक चार्ज है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम है फील्ड चार्ज। अब मैं जानता हूँ कि इसके करीब अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, अगर वो पॉजिटिव है, इसके जैसा है, छोटा है या बड़ा है, ये उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, सेम चार्जेस रिपेल इच अदर। और अगर इसके मुख्तलिफ अनलाइक चार्ज आ गया तो इसने फ़ौरन से पहले उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। उसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्या वजह है कि ये चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, कहाँ से अट्रैक्ट या कहाँ से रिपेल करना स्टार्ट करेगा, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। वो क्या चीज़ है? देखिए, हर चार्ज के गेंद एक जगह है, इनविजिबल जगह है, स्पेस है, जिसमें के अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो ये उस पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। और फोर्स कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। चार्ज की ये जगह, जिस चार्ज का नाम फील्ड चार्ज है, जिसे हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, चार्ज के गिर्द वो जगह जहां अगर कोई दूसरा चार्ज आए, कौन सा चार्ज आए, इस चार्ज का नाम है टेस्ट चार्ज। इस चार्ज का क्यू के साथ और टेस्ट चार्ज को जो चेक करने आए उसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चार्ज है जिसके गिर्द फील्ड मौजूद है, बड़ा चार्ज है, बड़ी फील्ड है, बड़ा रीजन है, बड़ी जगह है। अगर कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट उसके जैसा लेकिन साइज में छोटा, इसका मकसद दूसरे चार्जेस की फील्ड को चेक करना है, जगह को चेक करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को चेक करना है, इसलिए साइज में छोटा है और इसका नाम क्या रख दिया गया, टेस्ट चार्ज। फील्ड को टेस्ट करने वाला, जगह को टेस्ट चेक करने वाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस करने वाला। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसकी फील्ड नहीं है, भी छोटा चार्ज है, इसकी फील्ड भी छोटी होगी। जब ये इसकी फील्ड में दाखिल होगा तो क्या होगा, ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। ऑफकोर्स ये भी इस पे लगाएगा लेकिन इसका साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी नहीं होगी जितनी कि इस चार्ज की होगी। कहाँ से इसने फोर्स लगाना शुरू की, कहाँ से ये चार्ज इस पे फोर्स लगाना शुरू करेगा, जब ये इसकी फील्ड में दाखिल होगा, इसके रीजन में दाखिल होगा। इसका मतलब रीजन या जगह वो है, वो चीज़ है जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आए, जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आए तो पहला चार्ज उस पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, आपके हाँ हर किसी के पास, हमारे पास, लोगों के पास अपनी ज़मीन होती है और ज़मीन आप जानते हैं बन्ने बने होते हैं, उसके पगडंडियाँ बनी होती हैं, पता है ये खेत, एक दूसरा खेत, तीसरा खेत, हर एक खेत की बाउंड्री है, फील्ड उसे कहते हैं, फील्ड खेत। अब आपने देखा होगा आपने फसल उगाई हुई उस खेत के अंदर और बिना पूछे बिना बताए कोई जानवर या इंसान आपके उस फसल में घुस जाए तो क्या होगा, आप उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, तो थप्पड़ दो थप्पड़ या प्यार से समझाएंगे कि निकल जाओ इस फील्ड में से। इसी तरह आपके घर की चार दीवारी आपकी फील्ड है, अगर इस फील्ड के अंदर कोई घुसना चाहे, अगर तो जानने वाला है तो आप उस फील्ड में उसे आने देंगे, और अगर कोई जान पहचान वाला नहीं है तो आप उस चार दीवारी से उसे बाहर ही रिपेल कर देंगे। सो चार दीवारी जगह चार्जिस के गिर्द भी है, चार्जेस के गिर्द भी है, और चार्जेस के गिर्द जो जगह है, स्पेस है, उनकी जगह जहां वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर के अंदर कोई घुसना चाहेगा तो मैं उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों लगा सकता हूं, जानने वाला हुआ तो अट्रैक्शन कहूंगा आ जाइए, जानने वाला ना हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बाहर से दफ़ा कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी फील्ड से कोई बाहर खड़ा है, खड़ा रहे
गली में खड़ा है, मोहल्ले में खड़ा है, मुझे उससे गर्ज नहीं है। इसी तरह से अगर कोई चार्ज इसकी फील्ड से बाहर है, इसकी खास जगह से बाहर है, तो ये उस पर फोर्स नहीं लगा सकता, वो इस पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब फील्ड वो जगह है जहाँ पे कोई चार्ज दूसरे चार्ज पे दो तरह की फोर्सेज लगा सकता है, अट्रैक्शन की भी और रिपल्शन की भी। अट्रैक्शन कब होगी? जब वो चार्ज इसके मुखालिफ हो, ये प्लस है तो वो माइनस हो, तो ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और रिपल्शन कब लगाएगा? जब इसके जैसा चार्ज इसके सामने आ गया तो फोर्स ऑफ क्या लगेगी? रिपल्शन। इसका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है और उसे दफा कर देगा अगर उसके जैसा ही चार्ज उसके करीब आया। ये इन दोनों के दरमियान फासला है, इसका नाम क्यू नॉट है। ये फील्ड चार्ज जिसको चेक करना है, और ये जो चेक करने आया है उसका नाम टेस्ट चार्ज। फील्ड चार्ज जिसको टेस्ट करना है, टू बी टेस्टेड एंड बाय जिससे टेस्ट होना है, क्यू नॉट। और आप जानते हैं जैसे जैसे फासला बढ़ता चला जाएगा इन दोनों के दरमियान, ये चार्ज इनकी फील्ड से बाहर चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी और नतीजा फोर्स लगना बंद हो जाएगी। परे हटाते जाइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि इनकी अट्रैक्शन रिपल्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब वो एक दूसरे की फील्ड से बाहर चले जाएंगे। तो फिर क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है किसके गिर्द? चार्ज के गिर्द, छोटे बड़े हर चार्ज के गिर्द जगह है जहां वो दूसरे चार्जेस पे क्या लगा सकता? अपना असर व रसूख, अपनी फोर्स। और फोर्स कौन सी? अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की। ऐसे ही आपने एक मिसाल देता हूं, थाना कल्चर, थाने कल्चर से आप वाकिफ़ हैं। आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि एक रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते थाने वाले से, वो कहता है ये केस किस इलाके में हुआ है? उस इलाके में? जी ये तो हमारी रेंज से बाहर है, ये हमारी हदूद से बाहर है। हदूद, हर चीज़ की हदूद है, इंसान की भी हदूद है, इसी तरह चार्जेस की भी एक हदूद है जहां वो दूसरे चार्जेस पे क्या लगा सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये फोर्स कम होती जाती है जब चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ता चला जाता है, और ये फोर्स बढ़ती चली जाती है जब चार्ज के दरमियान फासला कम से कम, कम से कम, कम से कम होता चला। सो दैट फोर्स वो जगह जहाँ पे चार्ज एक दूसरे पे क्या लगा सके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, या एक चार्ज दूसरे पे क्या लगा सके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। उस जगह को चार्ज की क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं इमेजिनरी दिखाया गया है, हकीकत में कैसी है वो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन हमने उनको डॉट्स की शक्ल में शो करवाया, जी इस तरह की होगी इसके गिर जगह, दूर जाते जाएंगे ये वीक होती जाएगी और वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा, और फील्ड चार्ज जो जिसको चेक करना है। टेस्ट चार्ज हमेशा साइज में छोटा, ताकि वो उसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ टेस्ट करके बता दे। ऐसे करंट को टेस्ट करना हो तो टेस्टर लगाते हैं, फौरन पता लग जाता है यहाँ करंट आ रही है कि नहीं आ रही। इस तरह से ये चार्ज इसकी फील्ड को टेस्ट करेगा, मैं हाथ लेके जाऊँगा, मुझे फील ही नहीं होगा कि यहाँ चार्ज है कि नहीं है, इसकी फील्ड है कि नहीं है। लेकिन टेस्ट चार्ज फौरन से पहले अगर ये सामने पॉजिटिव पड़ा, रिपेल होकर पीछे हटेगा, मुझे पता चलेगा मैं फील्ड में दाखिल हो गया हूँ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट कैन एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज। एक ऐसी जगह जहाँ वो दूसरे चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जानना चाहते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जानना चाहते हो कि चार्ज तगड़ा है, कमज़ोर है, वीक है, स्ट्रांग है, क्या है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? इसकी लगाई गई फोर्स से। भाई जानना है बंदा माड़ा है कि तगड़ा है, कैसे पता चलेगा? उससे ज़रा झगड़ा करके देखो, लापड़ थप्पड़ लगाया तो फौरन पता चलेगा यार ये बंदा बड़ा खतरी है। उसकी फोर्स से पता चलेगा कोई चार्ज वीक है, स्ट्रांग है। इसका मतलब किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाज़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पता चलेगा, उसकी शिद्दत से। और शिद्दत से क्या मुराद? ये कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, और अगर ये माइनस में होता तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को अगर मापा जाए, और वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स जो किस पे लगे? टेस्ट चार्ज पे। वो फोर्स जो किस पे लगे? टेस्ट चार्ज पे। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, चाहे पीछे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पीछे पॉजिटिव हो, टेस्ट चार्ज हमें कंफर्म और फिक्स कर दिया है कि ये पॉजिटिव ही लेना है, कन्वेंशन रवायत बन गई है। तो वो फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे लगेगी, वो फोर्स जो किसी चार्ज पे लगेगी जब वो किसी की फील्ड में आएगा,
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो फोर्स जो कोई चार्ज दूसरे चार्ज के पास जाने पे ऑब्जर्व करे, महसूस करे, फील करे, दैट फोर्स इज नोन एज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ से अगर आप जानना चाहते हैं फोर्स की मिकदार, कितनी फोर्स महसूस हुई, तो यहाँ से निकाल लीजिए क्यू नॉट ई, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये वो फोर्स है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की। अट्रैक्शन की कब? जब अनलाइक चार्ज होंगे। रिपल्शन की कब? जब सेम चार्ज होंगे। और यहाँ पे आपके सामने है ये सेम चार्जेस हैं, तो श्योर है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होनी। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बनाए तो क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है? फोर्स पे। जब फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है? वेक्टर है। याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई यूनिट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब उस फील्ड की शिद्दत को माप लेते हैं तो उसका फार्मूला भी है, उसका यूनिट भी है, वो स्केलर या वेक्टर भी है। वेक्टर आपके सामने है। क्लियर है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रुख किस तरफ होता है? जिस तरफ फोर्स लगे। फोर्स किस तरफ लग रही है? फोर्स किस तरफ लग रही है? अगर तो रिपल्सिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, और अगर अट्रैक्टिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने दो चीज़ें कवर की, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज कोई नजर आए ना नजर आए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, छोटा है, बड़ा है, उनके गिर्द एक रीजन है जहाँ कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फौरन से पहले यहाँ उसे अट्रैक्ट कर लेगा या उसे दफा कर देगा। अट्रैक कब करेगा? जब डिफरेंट चार्ज, अनलाइक चार्ज आएगा, जमा पड़ा था माइनस आए, फौरन से पहले खींच लेगा। और दफा कब करेगा? रिपेल कब करेगा? जब उसके जैसा चार्ज आए, उस बाउंड्री के अंदर दाखिल होने की देर है, फौरन से पहले उसे वहीं से दफा कर देगा। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? अगर मैं उस फील्ड की शिद्दत को माप लूँ, बड़ा चार्ज है, फील्ड भी दूर तक फैली है, दूर से चीज़ों को खींच भी लेता है, दफा भी कर देता है, वो उसकी शिद्दत है, इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और पता कैसे लगेगा? जबकि दूसरा चार्ज करीब लाएंगे, कितनी फोर्स उस पर लगी, रिपल्शन की या अट्रैक्शन की, मोहब्बत की या नफरत की, वो फोर्स जितनी इस पर लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज एग्जर्टेड बाय द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन पर कूलम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एफ ओवर क्यू नॉट। और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत उसी तरफ है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की सिमत है, या इलेक्ट्रिक फोर्स की सिमत है। इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और यहाँ से ये भी पता चला कि जितना चार्ज इस तरह फासला बढ़ाते चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम से कम होती चली जाती है, क्योंकि चार्जेस दूर जा रहे हैं, फासला बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर असर और रसूख कम होता चला जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हासिल होंगे हम अगले टॉपिक के साथ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अलहदा वीडियो में बनाऊँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।